हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द बेसिक्स। मेरा नाम है आदर्श और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ICSE क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4। इसके पहले भी मैंने चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, उसके बाद मैंने डिफरेंट एक्सरसाइजेस सॉल्व किए थे। जिन लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं और आसानी से अपने एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस समझ सकते हैं। आज हम लोग इसी सीरीज़ में आगे बढ़ने वाले हैं और आज हम लोग चैप्टर 4 से रिलेटेड आखिरी वीडियो बनाने जा रहे हैं। दैट इज़ आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। जी हाँ, एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर नंबर 4 का लास्ट एक्सरसाइज है। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करने वाले हैं और नेक्स्ट डे हम लोग मूव कर जाएंगे टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, विच मीन्स साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो प्लीज़ स्टे ट्यून टू वॉच दिस एंटायर सीरीज़। नेक्स्ट डे हम लोग चैप्टर 5 सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून टू वॉच दिस सीरीज़। चलते हैं हम लोग अब एक्सरसाइज 4.5 की तरफ। आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस में। सो मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन टुडे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले कि आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करें, मैं क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 4.5 इज़ मेजरली बेस्ड अपॉन टू फार्मूलाज। ये दो फार्मूलाज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये फार्मूलाज़ अगर आपने मेमोराइज़ कर लिया, इन्हें अच्छे से कर लिया, तो आपको इस पूरे एक्सरसाइज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या है ये फार्मूलाज़, ध्यान देंगे। ये फार्मूलाज़ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब? इट इज़ इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट फार्मूला है। सिमिलरली द सेकेंड फार्मूला इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का? इट इज़ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इंटायर फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। मैं आपको फिर से बता दूँ कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.5, ये पूरा एक्सरसाइज इन दो फार्मूलाज पे बेस्ड है। अगर आपको ये फार्मूलाज पता नहीं है तो आपसे ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा, और अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप तुरंत ही चुटकियों में ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये भी बता दूं दैट दीज क्वेश्चंस आर सेलेक्टेड क्वेश्चंस। वी आर नॉट मेकिंग एवरी क्वेश्चन, वी आर नॉट सॉल्विंग एवरी क्वेश्चन इन दिस वीडियो। दीज आर सेलेक्टेड क्वेश्चंस सेंट बाय आइदर यू, या फिर दीज आर रैंडम क्वेश्चन सेलेक्टेड बाई मी अकॉर्डिंग टू द डिफ़िकल्टी लेवल। जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं हम उन्हें बनाते हैं। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ सेंड अस द क्वेश्चन सो दैट वी कुड सॉल्व अस इन आवर वीडियो। क्लियर? चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरा जो एक्सरसाइज है ये इन दो फार्मूला पे बनेगा, लेकिन क्या यहाँ पे आपको इस तरीके का कोई भी हिंट दिख रहा है? क्या ऐसा दिख रहा है कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में या ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में? नहीं, आपको ऐसा कोई फॉर्म नहीं दिख रहा। तो जब आपको इस तरह का कंडीशन दिखे जिसमें आपको सेम फॉर्म में नहीं दिखे कोई भी क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को, इस इक्वेशन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू को हम लोग कर देंगे एक्स क्यूब प्लस एक्स। हमें क्या चाहिए? वन चाहिए इसमें। क्यों? क्योंकि वन, वन का क्यूब वन होता है, तो वो इजीली क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने टू को क्या कर दिया? वन प्लस वन। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है, देखते हैं क्या फ़ायदा है। एक वन को हम लोग एक्स क्यूब के साथ एसोसिएट कर देंगे और एक वन को एक्स के साथ एसोसिएट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए, एक्स क्यूब प्लस वन, इसे हम लोग अलग कर दे रहे हैं और आगे लिख दे रहे हैं प्लस एक्स प्लस वन। ये काम हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया और ये ए प्लस बी है। हमें पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये देखिए, एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब, तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में। तो एक्स प्लस वन दैट इज़ ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ बी की जगह क्या है? वन है, और साथ में प्लस में क्या था? एक्स प्लस वन। ठीक है, ये
इधर का एक्स क्यूब प्लस वन को हम लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में ब्रेक कर दिया, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में भी हमारे पास इस टर्म में भी x प्लस वन है और इस टर्म में भी x प्लस वन है। हम लोग दोनों क्या करते हैं, दोनों ही टर्म्स में से x प्लस वन को कॉमन निकाल लेते हैं। अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं क्या बचेगा अंदर, x प्लस वन अंदर में बच रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और इस तरफ से हमारे पास बच जाएगा प्लस वन, क्योंकि यहाँ तो पूरा x प्लस वन हम लोगों ने निकाल लिया ना कॉमन, तो क्या बच गया, यहाँ पे वन बच गया। अब आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं x प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन कितना होगा, प्लस टू हो जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट इजीली सॉल्व हो गया। आई होप यू यू हैव गॉट द सॉल्यूशंस। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेवन का सेकंड पार्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए प्लस बी। देखिए ये क्वेश्चन वैसे देखने में बड़ा आसान है, लेकिन इसमें बस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके आगे लोगों को चाहिए था ए माइनस बी या ए प्लस बी, जो लोगों को मिल नहीं पाया। तो इस केस में क्या करना है, बहुत ही एक माइनर सा प्रॉब्लम था, नेगेटिव साइन का प्रॉब्लम, मैं उसे अभी दूर कर देता हूँ, देखते हैं कैसे दूर होगा वो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचा, ए माइनस बी। दोनों में से अगर हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा ए माइनस बी। अब हमारे पास ये कंप्लीट इक्वेशन एक फॉर्म में आ गया, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये ए माइनस बी। ईजिली ए क्यूब माइनस बी क्यूब को इस फॉर्म में लिखेंगे और हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग क्या लिखते हैं, वी राइट इट एज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्म में लिखते हैं ना हम लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और साथ में क्या है, माइनस साइन है बीच में और साथ में है ए माइनस बी। अब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ए माइनस बी यहाँ भी कॉमन है और ए माइनस बी यहाँ पर भी कॉमन है, तो दोनों जगह जो टर्म कॉमन है उस कॉमन टर्म को हम लोग बाहर निकालते हैं। हमें पता है इसे कॉमन लेना है, इट इज़ ए माइनस बी, हम लोग जब बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में यहाँ इसके साथ क्या बच रहा, माइनस वन और कुछ भी नहीं। सो देयरफॉर ये आपका फैक्टराइज हो गया, बस इतना ही हमें करना है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस वन, डन। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। पार्डन मी, द लास्ट क्वेश्चन वॉज क्वेश्चन नंबर सिक्स का सेकेंड पार्ट, मैंने उसे सेवन का सेकेंड पार्ट बना समझ के सॉल्व कर दिया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई भी हो, फायदे की ही बात है। अब हम लोग मूव करते हैं एक्चुअल सेवन का सेकेंड पार्ट में, इट इज़ ए क्यूब माइनस ए माइनस 120। देखने में हेर फेर हो गया था वहाँ पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ए क्यूब माइनस ए माइनस 120। अब इस प्रॉब्लम में वहाँ तो फिर भी प्लस टू था, यहाँ पे 120 है, लोगों को इसे सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्व करें। देखिए सॉल्व तो आपको हिंट बुक में भी मिल जाएगा, मैं भी सॉल्व करूंगा, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें कि इसे सॉल्व करने की तरफ आप कैसे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे मैं बताता हूं आपको, नियरेस्ट, क्योंकि पता है कि आपको क्यूब से काम लेना है, तो आपको क्या करना है, नियरेस्ट क्यूब की तरफ देखना है। यहाँ से 120 से नियरेस्ट क्यूब क्या होता है, कौन सा नंबर होता है नियरेस्ट क्यूब, एग्जैक्टली 125। आपको 125 नंबर का हेल्प लेके यहाँ पे काम करना है। जो भी यहाँ पे अगर ए क्यूब है तो इस नंबर का भी आपको क्यूब लेना है, ऑब्वियस सी बात है, और उस क्यूब से प्लस माइनस करिए, आपका रास्ता आगे के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे हम लोग करके देखते हैं, ए क्यूब माइनस ए, मैंने क्या बोला इसे 125 के टर्म में लिखिए, इट इस कैसे लिख सकते हैं, माइनस 125 प्लस 5, माइनस 125 अगर प्लस 5 करेंगे तभी ना माइनस 120 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिए, 125 माइनस 5 120 आता है और बड़ा साइन माइनस है आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, क्यूब वाले नंबर को क्यूब वाले नंबर के साथ रखना है, इट इज़ ए क्यूब माइनस 125 माइनस ए अलग और प्लस 5 साथ में आ गया। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 का ही तो क्यूब 125 और ए का क्यूब क्या है, ए क्यूब है, यानी कि आसानी से आपका क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व होने की तरफ पहुंच गया। अब इसे हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। अभी भी बहुत लोग बोलेंगे कि इसमें प्लस माइनस का हेर फेर है, कोई हेर फेर नहीं है, ए क्यूब माइनस 125 माइनस ए माइनस 5 हम लोग कर देना, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहाँ हमारे पास a माइनस बी है। जैसे बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, सिमिलरली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दैट मीन्स a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा 5 इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस यहाँ बीच में माइनस है और लास्ट में क्या है ए माइनस 5। आप साफ साफ देख सकते हैं दोनों ही टर्म्स में क्या कॉमन है, ए माइनस 5, दोनों से ए माइनस 5 को कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस 5 ए प्लस 25 माइनस यहाँ क्या कॉमन बच गया ए माइनस 5 लेने के बाद, माइनस 1 कॉमन बच गया, तो यहाँ क्या बचेगा 25 माइनस 1 अगर हम लोग कर देते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे, इसके लिए नेक्स्ट स्टेप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। 25 माइनस 1 अगर करें क्या मिल जाएगा प्लस 24, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन के बाद आपका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आया होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 16। इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी बहुत सारी क्वेरीज आए हैं, बच्चे पूछ रहे हैं कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आखिर इसमें उन्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ये x का क्यूब ए क्यूब है, आपको अगर याद होगा तो a प्लस बी का होल क्यूब होता था ए क्यूब प्लस 3ab ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ये ए क्यूब है और साथ में आपको बस एक इस नंबर में बी क्यूब ढूंढना है, 16 तो क्यूब है नहीं, ठीक है, और इनसे रिलेटेड हमें एक क्यूब ढूंढना है 6, 12, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये दिख जाएगा ये किस फॉर्म में है, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस 16। तो हमें दिख रहा है ये किस फॉर्म में है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपको एक फॉर्म में दिख जाएगा, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 16। आपको याद होगा a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हुआ करता था ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब हमारे पास मिसिंग टर्म क्या है, बस बी क्यूब है। आप देख सकते हैं यहाँ a क्या है x है, b क्या है 2 है, यानी कि मिसिंग टर्म क्या है 2 का क्यूब है, जो हम लोग 16 से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, 16 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं 16 को तो देखते हैं क्या मिलेगा, हमें बी क्यूब चाहिए, दैट इज़ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो हम लोग इसे स्प्लिट करते हैं उसी फॉर्म में, यानी एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर प्लस 16 को हम लोग क्या कर रहे हैं 8 प्लस 8 दो टर्म्स में स्प्लिट कर दे रहे हैं। यानी कि अब ये पूरे टर्म को अगर हम लोग एक साथ ले लें तो ये हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब, 8 क्या होता है 2 का होल क्यूब होता है, तो ये पूरा a प्लस बी का होल क्यूब के फॉर्म में आ गया प्लस साथ में क्या है 8। अब 8 भी जो नंबर है 8 को हम लोग लिख सकते हैं, बार बार 8 लिखने से अच्छा है 8 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी जो पूरा टर्म है ये a क्यूब प्लस b क्यूब के टर्म में आ गया, जहाँ पे a क्या है x प्लस 2 है और b क्या है 2 है। क्या ले लेना हम लोगों को, a ले लेना है x प्लस 2 और b ले लेना है 2। अगर इसे हम लोग a क्यूब प्लस b क्यूब की तरह ट्रीट करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास। a प्लस बी का मतलब हो गया x प्लस 2 प्लस 2, a x प्लस 2 है और b 2 प्लस 2 है, इंटू ए स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी का मतलब x प्लस 2 इंटू 2, 2 इंटू x प्लस 2 और प्लस में क्या है b स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में हमारे पास b स्क्वायर है, यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब आपके पास ये पूरे फुल फॉर्म में आ गया, आप इसे सॉल्व कर लेंगे, हालांकि अब इसके आगे मुझे करना नहीं चाहिए पर करके दिखा देता हूँ। x प्लस 4 यहाँ पे बाहर में अंदर हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 प्लस 4, ठीक है, आपको सिंपल कैंसिल आउट कर लेना, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स, यानी कि ओवरऑल आपके पास जो नंबर बच जाएगा अंदर वो है एक्स प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस टू एक्स दैट इज प्लस टू एक्स प्लस फोर। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन पूरे तरीके से कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखिए एक एक क्वेश्चन आपको एक एक एक्सरसाइज में सॉल्व करके देना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग उसके एक एक पार्ट जो भी फेवरेबल पार्ट है जो आपको समझ आने लायक है। अब जैसे 8 का हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया, तो 8 का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसके एक टाइप आप लोगों ने समझ लिया, आप दूसरे टाइप को खुद से बनाइए। इसके अलावा फिर भी आपको स्पेसिफिकली किसी प्रॉब्लम किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है किसी तरह के क्वेश्चंस में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया उसमें बताइए, मैं आपको ज़रूर सॉल्व करके इस वीडियो में बताऊंगा। प्लीज़ कीप सेंडिंग। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे आगे बढ़े क्वेश्चन में, पूरे तरीके से रास्ता ब्लॉक्ड है। बहुत आसान है, पर यू जस्ट हैव टू लुक इट थ्रू योर विजन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कैसे? आपको बस देखना है आप कैसे कॉमन निकाल सकते हो किसी चीज़ को। फर्स्ट स्टेप व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू गेट समथिंग इन कॉमन। क्या कॉमन है यहाँ पर ध्यान देंगे। देखिए यहाँ 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब में क्या कॉमन, हम लोग मुझे भी अभी कुछ नहीं पता है इसके बारे में। मैं एक एक स्टेप वाइज बढ़ने वाला हूँ, ध्यान देंगे मेरे साथ आप लोग बढ़ेंगे, आप भी कर सकते हैं साथ साथ। चलिए देखते हैं 2a क्यूब प्लस 16b क्यूब दोनों में क्या कॉमन है, 2। हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया, a क्यूब प्लस 8b क्यूब बचा। इधर इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, माइनस कॉमन दिख रहा है। सबसे पहले माइनस को कॉमन निकाल लीजिए बाहर, बाकी क्या बाकी है 5 कॉमन है निकाल लीजिए। क्या बचा अंदर, a प्लस 2b। कॉमन निकालने के बाद हमें क्या मिल रहा है, a प्लस 2b बच जा रहा है। अब हम लोग आगे की तरफ सॉल्व करते हैं। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ a प्लस 2b है और यहाँ a क्यूब प्लस 8b क्यूब है, यानी कि a क्यूब प्लस 8b क्यूब क्या होता है, a प्लस 2b का एग्जैक्ट a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्म है। हम लोग इसे इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं। और आपको पता है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। चलिए इसे निकालते हैं हम लोग, 2 को बाहर रहने दीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, a प्लस b, यानी कि अंदर क्या है, a प्लस b की जगह क्या था यहाँ 2b, क्योंकि ये 2b का क्यूब है, इंटू a स्क्वायर माइनस ab, तो ab की जगह यहाँ क्या है, a की जगह a है लेकिन b की जगह 2b है, प्लस b स्क्वायर की जगह यहाँ क्या है 2b का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल बचा रहा है। माइनस में आगे आपके पास क्या है, माइनस 5 इंटू ए प्लस 2b। अब आप ध्यान देंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा इसमें पूरे में, आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा कि a प्लस 2b इसमें भी है और a प्लस 2b इसके पास भी है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इन दोनों को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाइड है और ये 5 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। हम लोग इसे अभी कॉमन नहीं ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर a प्लस 2b हमारे पास a प्लस 2b 2 के साथ है लेकिन ये मल्टीप्लाइड में है, तो इससे और इससे हम लोग दोनों को क्या कर लेना है, बाहर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। a प्लस 2b कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने, क्या बच जा रहा है हमारे पास अंदर, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। कैसे कर रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे बच्चों, ऐसे कर रहे हैं, 2 यहाँ था कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2b का होल स्क्वायर 4b स्क्वायर। माइनस में क्या बचेगा, ये ख़त्म नहीं हुआ यहाँ पे क्योंकि a प्लस 2b को साथ में कॉमन ले लिया, तो यहाँ माइनस में बच जाएगा 5। a प्लस 2b बाहर निकाल लिया है ना, तो वहाँ अंदर माइनस 5 बच गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, a प्लस 2b इंटू 2a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 8b स्क्वायर माइनस 5। तो ये पूरा आपका हो गया सोल्यूशन, और इस तरीके से हम लोगों ने दोनों ही नंबर्स को अलग अलग करके फैक्टराइज कर दिया। आई होप यू गॉट दिस। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट। देखिए मैं सारे एक एक क्वेश्चन के थ्रू नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन बनाना काफ़ी लेंदी हो जाएगा, मैं आपको बस तरीका सिखा रहा हूँ। क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है एंड क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट है, तो दोनों सिमिलर पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन हैं, दोनों बनेंगे एक ही तरीके से। इसलिए मैं 8 का 1 बना दे रहा हूँ, 8 का 2 आपको बनाने के लिए छोड़ रहा हूँ, 9 का 1 बना दे रहा हूँ, 9 का 2 आपको बनाने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।
हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व करके दें, हर एक तरह के कॉन्सेप्ट का, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करें आपके लिए, ठीक है। प्लीज़ टेल अस इन द कमेंट सेक्शन दैट हाउ डिड यू लाइक, आर यू लाइकिंग आवर वीडियो, और आपको और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और कैसे क्वेश्चंस चाहिए बने हुए, या कोई स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज़ कीप टेलिंग अस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इससे हम लोगों को आपका रिव्यू मिलेगा एंड वी कैन मेक मोर एंड मोर वीडियोज़ फॉर यू। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट, इट इज़ a6 - b6। इसका मतलब है ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, ये तो किसी से छुपा नहीं है, ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ए स्क्वायर का क्यूब माइनस बी स्क्वायर का क्यूब, हमें क्यूब के फॉर्म में लेना है। अब हमें पता है कि ये किस फॉर्म में आ गया है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में आ गया है, जहाँ ए का मतलब क्या है स्मॉल ए स्क्वायर, और कैपिटल बी का मतलब क्या है स्मॉल बी स्क्वायर। हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला है, इसे पुट कर देते हैं। फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, ए माइनस बी का मतलब क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अंदर क्या बच जा रहा है ए स्क्वायर, दैट इज़ ए स्क्वायर का स्क्वायर ए फोर प्लस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर का मतलब है बी स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, इट इज़ बी का पावर फोर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसे एक्सपेंड कर दिया, फैक्टराइज़ कर दिया। आप चाहते हैं फर्दर तो आप इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास मतलब नहीं है, जितना फैक्टराइज़ करना था हम लोगों ने कर दिया, बिल्कुल आसान था। देखिए जितना ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहा था देखने में, ये उतना ही सिंपल निकला, ठीक है। सो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू लुक इनटू द विजन एंड दैट्स इट, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। देखिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट बनाया, 10 का सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, ताकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। अगर फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प डेफिनेटली करूँगा, और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व भी करूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8/x। फर्स्ट पार्ट जो 11 का था वो काफ़ी ईजी था, वो आप लोग कोई भी बना सकते हैं, उसे ट्राई करें, नहीं बनता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। अभी हम लोग बनाने वाले 11 का सेकंड, ये क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी सारे बच्चों ने भेजा है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा है, सबकी क्वेरी है, एंड मुझे भी ये क्वेश्चन ऑनेस्टली बाकी सबसे इंटरेस्टिंग लगता है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8/x। अभी तक सारे क्वेश्चन जितने थे सब में आपके पास एक एडवांटेज था, एडवांटेज क्या था कि आपको वो क्यूब्स के फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पर क्या है कि ये आपको स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर गिवन। अब इसे कैसे सॉल्व करें, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है, बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा एलसीएम, एक्स ऑब्वियसली एक्स ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ एक्स क्यूब माइनस 8। यानी अब आप इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपका हो गया एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू 1/x। ये जो 1/x है ये आपका अलग से बाहर आ गया। अब ये क्लियरली आपको दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हो गया, बस आपको इसे इस फॉर्म में लिख देना है। क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब क्या होता था, ए माइनस बी, दैट इज़ यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए बी का मतलब 2x प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ 4। बी स्क्वायर तो 4 ही होता है, बाय पूरे के नीचे क्या है x है, या आप चाहें तो इसे अलग से लिख सकते हैं इंटू 1/x। तो ये हो गया आपका, फैक्टराइज हो गया, बिल्कुल अलग अलग हो गया, देखिए तीन पार्ट्स में आ गया, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इंटू 1/x, आसानी से फैक्टराइज हो गया। कितना मुश्किल लग रहा था, कितने लाइन में हुआ, दो लाइन में। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, इट सेज 250 इंटू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 2। किसी के पास भी थोड़ा सा विजन है तो इसे सेपरेट करके आसानी से काम कर सकता है। कैसे हम लोग कर सकते हैं, हमें पता है, यहाँ मैंने फर्स्ट स्टेप हर बार क्या बोला है, अगर आपको कोई भी चीज़ कॉमन दिखती है दोनों टर्म्स में उसे कॉमन निकालिए। हम लोग देखते हैं पहला स्टेप फॉलो करके हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, 250 और 2 में क्या कॉमन है, ऑब्वियसली 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालते हैं, 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 125 ए माइनस बी का क्यूब प्लस 1, काम हो गया हमारा यहीं पे। ये एक पूरा एक टर्म ले लीजिए, 2
यानी आप इसे ले सकते हैं 5a-b का होल क्यूब, हम लोग इसे लिख सकते हैं 5a-b का होल क्यूब के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि 5 का क्यूब 125 है और a-b का होल क्यूब गिवन था, प्लस 1 का क्यूब। अब आपके पास यहाँ दो टर्म्स आ चुके हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहाँ पे a का वैल्यू है 5a-b, ठीक है, और b का वैल्यू क्या है, 1 है। आप बस दोनों वैल्यूज़ को ले लीजिए, ये किस फॉर्म में आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में आ गया। a क्यूब प्लस b क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 2 देखिए बाहर है, इसको छोड़ेंगे नहीं, 2 को बाहर रखेंगे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, यानी कि हम लोग फिलहाल के लिए ऐसे लिख देते हैं a प्लस b इंटू, एक सेकेंड आई नीड टू यूज़ माई डस्टर, 2a प्लस b इंटू क्या गिवन है, आगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बस ज़रूरी है इसमें, ठीक है, पूरे को ब्रैकेट में डाल दीजिए। अब बस वैल्यूज से सब्सिट्यूट कर देना, हमें वो वैल्यूज पुट कर देना, 2a का वैल्यू क्या था आपके पास, a माइनस बी प्लस बी का वैल्यू क्या था, 1, पुट करिए। दूसरी तरफ क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि अच्छा a का वैल्यू 5a-b है, ये गलती करनी नहीं है, छोड़ना नहीं है। a स्क्वायर क्या हो गया, 5a-b का स्क्वायर माइनस ab क्या हो जाएगा, 5a-b इंटू 1 हो जाएगा, सेम नंबर आपके पास, वही सेम नंबर मिलेगा। 5a-b का हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, a-b का स्क्वायर a-b स्क्वायर माइनस ab, दैट इज़ 5a-b, क्योंकि 1 से तो किसी भी नंबर को इंटू करेंगे सेम मिलेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो पूरा जब हम लोग इंटू कर देते हैं, कंप्लीट फैक्टराइज कर देते हैं, हमारे पास ये नंबर मिल जाएगा, आप इसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, 32a²x³-8b²x³-4ay³+b²y³। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी तक बहुत कम क्वेश्चंस के दोनों पार्ट बनाए, यहाँ मैं 12 का फर्स्ट पार्ट भी बना चुका हूँ और 12 के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए मैं ये सॉल्व कर दे रहा हूँ। कई सारे बच्चों ने पूछा है, बहुत ज़बरदस्त क्वेरी है, लोग इसे लेके कन्फ्यूजन में हैं। क्यों कन्फ्यूज हैं मुझे पता नहीं, काफ़ी सिंपल, एक विजन के साथ आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसे कैसे स्प्लिट अप करना है, कैसे कॉमन लेके फैक्टराइज कर देना। पर ठीक है, अगर दिक्कत है तो मैं बना देता हूँ, देखते हैं कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप मैंने जो आपको बताया था, वो फर्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चन को ओपन स्प्लिट करने में। क्या है वो फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है कॉमन लेना, बहुत ही सिंपल काम है, देखते हैं हम लोग कैसे कॉमन लेते हैं। 32a²x³-8b²x³ दोनों में क्या कॉमन है, सबसे पहले दोनों में 8 कॉमन है, 8 को बाहर निकालिए, एक्स क्यूब कॉमन है बाहर निकालिए, 8x³, अंदर क्या बचा, 4a² माइनस इधर बचा b², यहाँ अगर आप देखेंगे क्या बचेगा, 4a², यहाँ से तो 8 चला गया, x³ चला गया, 4a² माइनस b², यहाँ क्या कॉमन है आपके पास, आपके पास यहाँ पे कॉमन है माइनस वाई क्यूब कॉमन ले रहे हैं हम लोग, अंदर बच जाएगा 4a² माइनस b², और भी कुछ हम लोग कॉमन ले सकते हैं, नहीं और कुछ कॉमन लेने के लिए हमारे पास बचा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि कॉमन लीजिए, आपके पास एक रास्ता मिल जाएगा। देखिए हमारे पास क्या रास्ता मिला है, यहाँ 4a² - b², आपके पास दोनों ही जगह पे 4a² - b² आ गया है, हमें क्या करना है, 4a² - b² को कॉमन ले लेना, 4a² - b² बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 8x³ - y³। अब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो चुका है, कैसे आसान हो गया है, आपको साफ साफ दिख रहा है ये 4a² - b² अलग है और ये a³ - b³ के फॉर्म में आ गया, फॉर्मूला आपके सामने है, जस्ट पुट इट एंड शूट इट, लेट्स डू इट। 4a² - b² आपको ये भी एक फॉर्म में दिख रहा है, मैं बता दूँ ये किस फॉर्म में है, ये है 2a² - b² ये a² - b² के फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। ये है a³ - b³, दैट इज़ 2x³ - y³। तो दोनों ही पार्ट्स आपको आसानी से दिख रहे हैं क्या करना है, ये हो गया 2a+b इंटू 2a-b, ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, a³ - b³ का मतलब है a-b इंटू a² दैट इज़ a का स्क्वायर 4x² प्लस ab दैट इज़ 2xy प्लस b² दैट इज़ y² ख़त्म। ठीक है, ये आपका जो पूरा पार्ट था ये फैक्टराइज हो गया 2a+b इंटू 2a-b
हाँ बिल्कुल, 2a प्लस बी इंटू 2a माइनस बी, अंदर में सिर्फ एक्स वाई का टर्म है, दैट इज 2x माइनस वाई, 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरे तरीके से कंप्लीट हो गया। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस का ये मतलब नहीं है कि आप भी उसे कॉम्प्लिकेटेड व्यू से देखो, आप उसे आसान नज़रों से देखोगे या आसान तरीके से देखेगा। पहला स्टेप फैक्टराइज करने में हमेशा याद रखना, कुछ ना दिखे तो कॉमन ढूंढो, कुछ ना दिखे तो कॉमन ढूंढो, कॉमन लो, उसके बाद आपको रास्ता दिख जाएगा। यहाँ पे आपको दिखा रास्ता, समझ आ रहा है कैसे करना है? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। मैं 13 का फर्स्ट पार्ट नहीं बना रहा हूँ, मैं फिर भी बता देता हूँ। 13 का फर्स्ट पार्ट है x टू द पावर 9 प्लस y टू द पावर 9, आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो x क्यूब का पावर 3 और x y का क्यूब का पावर 3 करके आप आसानी से ले सकते हैं, इसलिए मैं उस पार्ट पे नहीं जा रहा हूँ, वो आसान पार्ट है। ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट बच्चों को जिसमें दिक्कत है, जो बच्चों को डिफ़िकल्ट लग रहा है, जिस बारे में ज़्यादा क्वेरीज आई हैं, जिसमें बच्चों को डिफ़िकल्टी आ रही है, मैं उस पार्ट के बारे में बात करने वाला हूँ। ये पार्ट है 13 का सेकेंड पार्ट, दैट इज़ x टू द पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8। बच्चों को इस पार्ट में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कॉमन लेना है, कैसे सॉल्व करना है इसे। देखिए मैं बताता हूँ बहुत आराम से। मैंने पहला पार्ट बोला था, पहले क्वेश्चन में ही मैंने आज आपको बताया था कि या तो सब कुछ कॉमन होगा, या अगर आपको कुछ भी कॉमन लेने लायक नहीं लगे, फर्स्ट स्टेप हमेशा मैंने बोला कुछ कॉमन लो, कॉमन नहीं दिखे तो हमें कॉमन क्रिएट करना है। ऐसा हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में किया, कॉमन अगर कुछ ना लगे क्या करेंगे आप, कॉमन को क्रिएट करेंगे। कैसे कॉमन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स टू द पावर 6 माइनस 7x क्यूब माइनस 8, क्या करना है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो एक्स सिक्स माइनस 7x क्यूब क्या करिए, माइनस 8 को लिख दीजिए, माइनस 7 माइनस 1, अब कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा ना। लेते हैं इसे अलग अलग करते हैं, इन दोनों पार्ट को एक साथ ले लीजिए और इन दोनों पार्ट को एक साथ, यानी कि x टू द पावर 6 माइनस 1 माइनस 7x क्यूब माइनस 7, विच मीन्स आप इसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट इज एक्स स्क्वायर का पावर 3 माइनस 1 का पावर क्यूब। यहाँ पे क्या बच जाएगा आगे, माइनस 7 कॉमन अगर आप लेते हो तो अंदर बचेगा एक्स क्यूब प्लस 1, ये बच गया हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1। अब देखिए जब एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया तो हम लोग सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ जो हम लोगों ने एक्स स्क्वायर का क्यूब लिया था उसके जगह हम लोग इसे चेंज करके लिख देंगे एक्स क्यूब का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बात तो वही रहेगी 3 टू 6 और यहाँ 1 का पावर 1। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्स क्यूब प्लस 1 मिल गया है और इसमें भी हम लोग एक्स क्यूब प्लस 1 ला सकते हैं। सारा काम आप अपने एडवांटेज के हिसाब से करेंगे। क्यों किया अभी आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि दोनों में हमें एक्स क्यूब प्लस 1 मिल रहा था, एक्स ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इधर क्या है बच्चा माइनस 7 एक्स क्यूब प्लस 1। अब आपको दिख रहा है साफ साफ दोनों में क्या है, एक्स क्यूब प्लस 1 कॉमन है, दोनों से एक्स क्यूब प्लस 1 को कॉमन निकालिए, काम आपका यहीं पे ख़त्म, एक्स क्यूब प्लस 1 बाहर, अंदर क्या बचेगा आपके पास, फर्स्ट पार्ट में बचेगा एक्स क्यूब माइनस 1, सेकेंड पार्ट में बचेगा माइनस 7, काम ख़त्म, क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम लोगों ने आज एक्सरसाइज कौन सा था हमारा, एक्सरसाइज 4.5 था, बहुत आसानी से हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 ML अग्रवाल बुक की एक्सरसाइज 4.5 ICSE क्लास 9 मैथ्स में हम लोग बना रहे हैं, 4.5 आज बहुत आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने भेजे थे इससे रिलेटेड, सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को बताएं। ठीक है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्वेश्चंस जो मैंने बताए ये आपको समझ आए या नहीं। अगर आपको और भी किसी तरह के डाउट्स हैं, किसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मेरा जो गिवन व्हाट्सएप नंबर है उसमें मुझे बताइए। एंड प्लीज़ टेल अस हाउ डिड यू लाइक द वीडियो, जो भी आपका रिव्यू है हमें ये कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो प्लीज़ टेल अस आप हमारा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहेंगे, किस सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहेंगे। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहेंगे, कौन से सब्जेक्ट पे देखना चाहेंगे और कौन से सब्जेक्ट के किस चैप्टर पे, क्या आप देखना चाहेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन चैप्टर 5 मैथ्स के बारे में, या आप चाहते हैं कि मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँ, फिजिक्स स्टार्ट करूँ, केमिस्ट्री स्टार्ट करूँ। जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, जो कमेंट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू like the video, share the video with your friends and don't forget to subscribe to our channel. अच्छा subscribe कर भी लिया तो please click the bell icon. तब तक के लिए stay home, stay safe and keep learning.